न्यूज चैनलों का टीआरपी घोटाला सामने आने के बाद टेलीविजन रेटिंग मापने वाली संस्था बार्क ने बड़ा फैसला लिया है। बार्क ने अगले 12 हफ्तों के लिए टीआरपी मापने पर रोक लगा दी है, यानी अगले 12 हफ्तों तक न्यूज चैनलों की टीआरपी रेटिंग नहीं आएगी। बीएआरसी ने मुंबई पुलिस द्वारा टीआरपी घोटाले के भंडाफोड़ के बाद यह कदम उठाया है। वहीं न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन यानी कि एनबीए ने बार्क के इस फैसले का स्वागत किया है। बार्क की तरफ से कहा गया है कि हिंदी, क्षेत्रीय, अंग्रेजी के साथ ही सभी बिजनेस चैनल भी उसके इस फैसले की जद में आएंगे। हालांकि तकनीकी समिति की निगरानी में राज्य और भाषा के आधार पर दर्शकों की साप्ताहिक अनुमानित संख्या बताना जारी रखा जाएगा। बीएआरसी इंडिया बोर्ड के चेयरमैन पुनीत गोयनका ने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए यह फैसला लेना बेहद जरूरी हो गया था। बोर्ड का मानना है कि बार्क को अपने पहले से ही कड़े प्रोटोकॉल की समीक्षा करनी चाहिए और इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए कि फर्जी टीआरपी जैसी घटनाएं फिर सामने ना आए। वहीं बीएआरसी इंडिया के सीईओ सुनील लुल्ला ने कहा कि हम बीएआरसी में अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाते हुए वही रिपोर्ट करते हैं जो देश देखता है। हम ऐसे और विकल्प तलाश रहे हैं जिससे इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार्क टेलीविजन रेटिंग बताने वाली एजेंसी है। यह संयुक्त उद्योग उपक्रम है जिसे प्रसारणकर्ता यानी कि IBF, विज्ञापन दाता, विज्ञापन और मीडिया एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने वाले स्कॉट होल्डर निधिबद्ध करते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा टेलीविजन मेजरमेंट निकाय है। बार्क इंडिया साल 2010 में शुरू हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। बीएआरसी इंडिया ही टीवी ऑडियंस मेजरमेंट सिस्टम के सटीक और पारदर्शी संचालन के लिए जिम्मेदार है। मुंबई पुलिस ने हाल ही में टीआरपी घोटाला उजागर किया था। पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन कर बताया था कि टीआरपी में कुछ चैनलों द्वारा घोटाला किया जा रहा है। जानकारी सूत्रों एवं सूत्रशो से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।